नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। एसपीएन नाइन न्यूज में बातचीत करेंगे नितिन गडकरी जी का। नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री हैं बीजेपी में जो खुलकर ये दावा ठोकते हैं कि हम जो काम करते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी किरकिरी क्यों हो रही है? इसके बावजूद उनको उस नजरों से क्यों देखा जा रहा है जो वरुण गांधी को जिस नजर से देखा जा रहा है? खबर हैरान करने वाली है, चौंकाने वाली है कि वरुण गांधी एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे सांसद है बीजेपी के जिसका बीजेपी में सबसे ज्यादा तारीफ होती है। उनके कामकाज को लेकर वो ज्यादा धर्मों पे बयान नहीं देते हैं, वो ज्यादा हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं। और लोगों ने, जानकारों ने यह भी कहा कि अगर ऐसे नेता देश में 10 निकल जाएंगे देश तरक्की के रास्ते पर चलाएगा। और वाकई में परिवर्तन मंत्री, अगर परिवहन में देखें आप, एक्सप्रेसवे में देखें, सड़कों में देखें, इन्होंने बेहतर काम किया है, जो लोगों के राय भी आ रहे हैं तमाम चीजें। लेकिन इसके बावजूद संसदीय बोर्ड से उसको हटा देना, इसके बावजूद उन्होंने हालांकि नाराजगी भी अपने सरकार पे कई बार दिखाई है और ये अच्छा लगा है लोगों को, ये पसंद आया कि नेता ऐसा ही होना चाहिए कि जहां कामकाज नहीं सवाल, लेकिन इसके बावजूद ये चर्चा क्यों कि 2024 से वो बाहर हो सकते हैं, 2024 में उनको टिकट नहीं मिल रहा है, इनमें वरुण गांधी भी शामिल है। अब जरा सुनिए कि देखिए फिर से क्या खुशखबरी वो बता रहे हैं लोगों के लिए। खुशखबरी ये है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला यह है कि सरकार ला रही है नया कानून, सड़क पर चलने वालों की होगी बल्ले बल्ले। यानी कि हमेशा वो कामकाज को लेकर बातचीत करते रहे हैं करने वाले पर भी अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वाकई में ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, वरुण गांधी के साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो भी अपने सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। तो यही चर्चा हो रही है दर्शकों। अब आप लोगों को क्या लगता है कि नितिन गडकरी के साथ क्या होगा, बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है? क्या उनको टिकट नहीं देगी? क्या जो है मंत्री से बाहर कर दिया जाएगा? हालांकि जेपी नड्डा को की का जो कार्यकाल है फिर से बढ़ा दिया गया। तो इन सब मचे भूचाल के बीच में नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में टिकट मिलेगा कि नहीं, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।